Hi friends and welcome back to Anika's Dream Life. Friends, आपको ओडिशा के कटक जिले के सबसे प्रसिद्ध बाली यात्रा के बारे में तो पता ही होगा। तो आज हमारे इस HL टाउनशिप में पहली बार होने जा रहा है बाली यात्रा, जो कि कंडक्ट किया जा रहा है मधुसूदन सेवा संघ की तरफ से। मधुसूदन सेवा संघ, ये नाम आपने हमारे चैनल में पहले भी सुना होगा। ये वही सेवा संघ है जो हमारे HL टाउनशिप के भंजा मंडप पे रजत सेलिब्रेशन कंडक्ट करते हैं। ये बाली यात्रा कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। वैसे कटक में तो इस बाली यात्रा के मेले को 10 दिन तक रखा जाता है, पर हमारे यहाँ ये बस 3 दिन के लिए है। इसका बस नाम ही मिनी बाली यात्रा है, वैसे ये क्वार्टर बाली यात्रा इसे कहना चाहिए, क्योंकि कटक में इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा ग्राउंड होता है जहाँ पे बाली यात्रा होता है। लाइक बहुत सारे दुकानें होते हैं वहाँ पे, चलते चलते आपके पैर थक जाएंगे लेकिन दुकानें ख़त्म नहीं होंगी। बहुत सारे बड़े बड़े झूले भी लगते हैं, पर हमारे पास ये है तो जो मिला उससे खुश रहना चाहिए। वैसे बाली यात्रा का एक दूसरा नाम भी है, बोई तो बंदाना फेस्टिवल, और वो भी मेजरली जाना जाता है ओडिशा में। सो हमारा जो ये बोई तो है, अभी उसका थोड़ा सा पूजा किया जा रहा है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हम कार्तिक पूर्णिमा में क्या करते हैं? लाइक कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक महीना जब पूर्ण होता है तब उसे कार्तिक पूर्णिमा कह के बनाया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह हम उठकर नदी के पास जाते हैं, नदी या फिर छोटा सा पॉन्ड कुछ भी, उसके पास जाकर हम लोग एक कागज का छोटा सा नाव बना के रखे होते हैं। उस नाव में हम लोग छोटे छोटे सुपारी और पान वो रख के उसे नदी में बहाते हैं, और फिर हम लोग एक गाना गाते हैं, छोटा सा गाना, मतलब गाना बड़ा है लेकिन मैं उसका बस छोटा सा पार्ट गाऊंगी। अक्का मा बोई पानो गुआ थुई पानो गुआ तोरो कार्तिक मासरो व्रत मोरो। सो आज के लिए एनफ ज्ञान बांट लिया मैंने, सो अभी चलते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूड आइटम्स है, जैसे कि दही बड़ा आलूदम और ठुमका पूरी, पेस्ट्रीज, केक्स, पेटिस, पाव भाजी, डोसा, सब कुछ था ए टू जेड। सो यहाँ पे मुझे ये फ्लफी फ्लफी से मार्शमेलो मिले, और जब मैंने से इसका रेट पूछा तो इट वाज लाइक 250 और मैंने इसे वापस रख दिया। यहाँ पर हमारी नजरें भिड़ी ये कप पेस्ट्री से और हमने ये ले भी लिया। टेस्ट ठीक ठाक ही था, बट आई वुड प्रेफर अ नॉर्मल वन बिकॉज लाइक उसका क्वांटिटी भी ज़्यादा होता है, और इसका मतलब ये कप पेस्ट्री का भी रेट था 50 और नॉर्मल 50 रुपीज की पेस्ट्री ज्यादा होता है यार, मतलब क्वांटिटी में। फिर हम चले आए शॉप्स की ओर, और शॉप में आते ही पहले ही अनिका को चाहिए था ये बबल्स, पिंक कलर के बबल्स, तो हमने ले लिए।
यहाँ पे हमें मिली कॉटन कैंडी और पॉपकॉर्न, बट कसम से मुझे दोनों में से कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। उसके ठीक बगल में थी ये दुकान, जिसके आगे से मेरे कदम हटे ही नहीं, क्योंकि मेरी आंखें भिड़ चुकी थी बड़े बड़े लेटर्स में लिखे हुए मथुरा केक से। मुझे ना रामनवमी से पहले ये मथुरा केक होता क्या है पता ही नहीं था। जब मैंने रामनवमी में पहली बार ये मथुरा केक खाया ना, पता नहीं ऐसी लत लग गई है, कहीं पे भी देख लो उसे रहा ही नहीं जाता, खरीदना ही पड़ता है, खाना ही पड़ता है। यहाँ पर मुझे मिले 20 रुपए के 4 बड़े बड़े मथुरा केक और मम्मी ने लिया 10 रुपए का एक मालपुआ। भाई जितना भी वेस्टर्न डेजर्ट खा लो, पेस्ट्रीज खा लो, पर मजा तो अपने इंडियन स्वीट्स में ही आता है। धीरे धीरे जैसे शाम से रात होती गई, यहाँ पे बहुत सारे फायरवर्क्स होने लगे। फायरवर्क्स की मजा लेने के बाद हमें लगने लगी ठंड, रात के साथ ठंड भी बढ़ रही थी और धीरे धीरे यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स होने भी स्टार्ट हो गए, पर हम वो नहीं देख पाए क्योंकि हमें ठंड लग रही थी और हम वेल इक्विप्ड भी नहीं थे, इसलिए हमने कर लिया प्रस्थान। घर लौटने वाले रास्ते पर ही हमें मिला ये उत्कलिका का एग्जीबिशन, तो हमने सोचा थोड़ी देर इसके अंदर भी घूम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब के साइड वाले उस बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस देख सको। बाय।